Friends, I am Pawan Kumar Gupta from Sunshine, and once again I am here to explain you exercise. Chapter. Which chapter name is the Luncheon? In the previous video, we discussed a beautiful chapter which name is I hope the daffodils. Okay, and are you better in your home? And let's start the chapter. Starting the chapter, I want to ask one question for you. Which cuisines do you enjoy? It means which food you enjoy and why. Okay, which food you enjoy and why? Share in your group and tell me where you want to eat at the food, at home, at friends and relative, at restaurants. Where you want to eat the food and which food, which type of food you want to eat and why. Okay, so students, share this hobbies in your group. And let's start the chapter. The first para is I caught sight of her at the play, and in answer to her beckoning, I went over during the interval and sat down beside her. It was long since I had last seen her, and if someone had not mentioned her name, I hardly think I would have recognized her. She addressed me brightly. In this para, poet said that I coughed up. There are two people, they are old, okay, and they are meet in a long long period time. Okay, so हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है. आई कॉप्ट और साइड, मैंने क्या किया, उसको एक जगह पे पाया, उसको एट द प्ले, मान लीजिए किसी थिएटर में, ठीक है, किसी थिएटर में जहाँ मूवी देखते हैं, ठीक है. इन द प्ले आंसर टू द हर बेकनिंग, किस में उसको मैंने देखते ही क्या किया, आंसर दिया. आई वेंट ओवर ड्यूरिंग द इंटरवल, मैंने कब उसके साथ, मैंने उसको कब देखा, यानी इंटरवल में, जब वहाँ पे जब मूवी के इंटरवल होता है तब मैंने उसको बेकनिंग में उसको देखा. एंड सेट डाउन बिसाइड हर, और मैंने क्या किया, मैंने उसके बगल में जाके मैं बैठ गया. इट वॉज लॉन्ग सीन्स, ये क्या था, काफ़ी लंबा समय था. आई हैड सीन हर, मैंने उसको देखा हर. एंड इफ समवन हैड नॉट मेंशन हर, अगर किसी ने उसका नाम मेंशन नहीं किया होता, आई हार्डली थिंक, मैं बड़ी मुश्किल से सोच पाता, यानी उसको पहचान पाता. रिकोनाइज, या इट मीन्स रिकोनाइज मीन्स पहचानना, ओके. मैं उसको काफ़ी मुश्किल से पहचान पाता अगर किसी ने उसका नेम मेंशन नहीं किया होता. सी एड्रेसड मी ब्राइटली, उसने मुझे काफ़ी ध्यान से देखा, ठीक है. सो स्टूडेंट, फर्स्ट पैरा में जो पोएट है यही कहना चाहता है कि दो लोग थे, काफ़ी मतलब बूढ़े हो चुके थे, और काफ़ी दिनों के बाद उन लोगों ने आपस में देखा, मिले, ठीक है, और काफ़ी मुश्किल से उन लोगों ने पहचाना आपस में, ओके. वेल, इट इज़ मेनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मिस. वेल, अच्छा, इट्स मेनी ईयर्स, ये काफ़ी समय हो चुका था सिंस वी फर्स्ट मिस, जब हम लोग पहली बार मिले थे. हाउ टाइम्स डस फ्लाई, समय कितना तेज भागता है. वी आर नन ऑफ गेटिंग एनी एंगर, वी आर नन ऑफ गेटिंग, हमें जो इतना समय, जो उम्र बीत गया है, वो काफ़ी समय ज़्यादा लग गया. डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू, क्या तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था. यू आस्क्ड मी टू लंचिन, तुमने मुझे खाने के लिए पूछा था. लंचिन मीन्स मैं पहले बता चुका था, अ फॉर्मल लंच, ओके, किसी के साथ किसी फॉर्मल लंच करना, ओके, ठीक है, बाहर जाके खाना रेस्टोरेंट में या फैमिली में, उसको लंचन बोलते हैं, ठीक है. डिड आई रिमाइंडर, क्या तुम्हें याद है, क्या मुझे याद है. इट वॉज 20 years ago, यह क्या था, 20 साल पहले. एंड आई वॉज लिविंग इन पेरिस, और मैं कहाँ रह रहा था, पेरिस में रह रहा था. आई हैड अ टीनी अपार्टमेंट इन द लैटिन क्वार्टर ओवर लुकिंग अ सेमेट्री. आई हैड अ टीनी अपार्टमेंट, टीनी मीन्स छोटा, ओके. मेरे पास क्या था, एक छोटा सा कमरा था इन द लैटिन क्वार्टर, एक लैटिन क्वार्टर में, ओवर लुकिंग अ सेमेट्री, यानी सेमेट्री में जहाँ कब्रिस्तान होते हैं, ठीक है, जहाँ पे गाड़े आते हैं मुर्दे होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सेमेट्री, ठीक है. जो मेरे रूम से क्या होता था, ओवर लुकिंग, बाहर दिखता था सेमेट्री. एंड आई वॉज अर्निंग ब्रेवली इनफ मनी टू कीप बॉडी एंड सॉल टुगेदर, और मेरे पास क्या था, काफ़ी इनफ, यानी पर्याप्त पैसा था टू कीप बॉडी एंड शरीर, जो मर जाते हैं उनको क्या करने का, रखने का, एंड सोल टुगेदर, और आत्माओं को मिलाने का, ठीक है, यानी जो आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति कराना, और मुर्दों को जो मर जाते हैं उनको कहीं गाड़ना, ओके, ये सब उसके पास इनफ पैसे थे ये सब करने के लिए, ठीक है. शी हैड रीड अ बुक ऑफ माइन एंड हैड रिटन टू बी
टू मी अबाउट इट. शी हैड रीड अ बुक. वो क्या करता था, किताबें पढ़ता था. ऑफ माइंड मेरी. एंड हैड रिटन टू बी अबाउट मी. और मेरे बारे में लिखता भी था. आई आंसर. मैंने आंसर दिया, उत्तर दिया. थैंकिंग हर. उसका धन्यवाद हो. एंड प्रेजेंटली आई. और अभी भी. आई रिसीव फ्रॉम हर अनदर लेटर. और अभी भी मैंने क्या किया, उसका दूसरा अनदर दूसरा रिसीव पाया लेटर यानी पत्र. मैंने अभी भी उसका दूसरा पत्र पाया. एंड वुड लाइक टू हैव अ चैट विथ मी. और वो क्या है, मुझसे चैट यानी बात करना पसंद है उसके साथ. बट हर टाइम वाज लिमिटेड. लेकिन उसका समय क्या है, लिमिटेड है, सीमित है. एंड द ओनली फ्री मोमेंट शी हैड वाज ऑन द फॉलोइंग थर्सडे. ओनली फ्री मोमेंट. फ्री मोमेंट यानी सिर्फ फुर्सत के पल में. शी हैड वाज ऑन द फॉलोइंग. वो क्या करती है, मेरे साथ आती है या मेरे पीछे. थर्सडे यानी थर्सडे को. शी वाज स्पेंडिंग द मॉर्निंग एट द लिमिसबर्ग. एंड आई गिव हर अ लिटिल लंचन एट फायर्स आफ्टर वर्ड्स. शी वाज स्पेंडिंग द मॉर्निंग. वो क्या करती है, अपना सुबह का जो होता है वो स्पेंड करती है, समय खर्च करती है. कहाँ पे, द लग्जमबर्ग. कहाँ पे, लग्जमबर्ग में. ओके. एंड वुड आई गिव हर अ लिटिल लंचन एट फॉरेस्ट आफ्टर वर्ड्स. और वो क्या चाहता है, मैं चाहता हूँ कि इसको क्या दूँ, एक छोटा सा लंच उसके साथ करूँ. ओके. कहाँ पे, फॉरेस्ट. ठीक है. सो स्ट्रेंथ, द वीडियो इज गोइंग टू वेरी लॉन्ग. सो स्ट्रेंथ, वी आर स्टॉप हियर. एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट स्टोरी. ओके. सो स्ट्रेंथ, take care. Bye-bye. Thank you.